और प्रधानमंत्री मोदी ने आज रेडियो के जरिए मन की बात की। मन की बात के 75वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों का जिक्र किया। मन की बात में उन्होंने वाराणसी के इंद्रपाल सिंह बत्रा के गौरैया के बसेरे की भी चर्चा की। पीएम ने मन की बात के 75वें संस्करण में वाराणसी के इंद्रपाल सिंह बत्रा के गौरैया प्रेम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंद्रपाल सिंह बत्रा ने अपने घर में लकड़ी के ऐसे घोंसले बनाए जिनमें गौरैया आसानी से रह सके, और आज वाराणसी के कई घर इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि प्रकृति, पर्यावरण, प्राणी, पक्षी जिनके लिए भी बन सके, कम या ज्यादा प्रयास हमें भी करने चाहिए। कुछ दिन पहले वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। स्पैरो यानी गौरैया, कहीं इसे चकली बोलते हैं, कहीं चिमनी बोलते हैं, कहीं घोन चिरिका कहा जाता है। पहले हमारे घरों की दीवारों पर, आसपास के पेड़ों पर गौरैया चहकती रहती थी, लेकिन अब लोग गौरैया को ये कहकर याद करते हैं कि पिछली बार बरसों पहले गौरैया देखा था। आज इसे बचाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ रहे हैं। मेरे बनारस के एक साथी इंद्रपाल सिंह बत्रा जी ने ऐसा काम किया है जिसे मैं मन की बात के श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूँ। बत्रा जी ने अपने घर को ही गौरैया का आशियाना बना दिया है। इन्होंने अपने घर में लकड़ी के ऐसे घोंसले बनवाए जिनमें गौरैया आसानी से रह सके। आज बनारस के कई घर इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। इससे इन घरों में एक अद्भुत प्राकृतिक वातावरण भी बन गया है। मैं चाहूंगा प्रकृति, पर्यावरण, प्राणी, पक्षी जिनके लिए भी बन सके, कम ज्यादा प्रयास हमें भी करने चाहिए। तो पीएम मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में वाराणसी के इंद्रपाल सिंह बत्रा का जिक्र किया, जिन्होंने अपने घर में पिछले 15 सालों से गौरैया संरक्षण की मुहिम चला रखी। अब इंद्रपाल सिंह बत्रा ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया है। जी, आज मेरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पल है कि हमारे प्रिय पूरे हिंदुस्तान के मन में बसने वाले मोदी जी ने हमको याद किया, मेरा नाम लिया। सर जी, मैं पिछले 10-15 साल से गौरैया के लिए काम कर रहा हूँ, गौरैया का संरक्षण कर रहा हूँ। आज मेरे घर में कम से कम 1500-1600 गौरैया रहती हैं, डेली आती हैं, जाती हैं, खाती हैं। 365 दिन इनकी सेवा की जाती है। खुद इस वक्त इंद्रपाल सिंह बत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाराणसी से सीधा उनका रुख करेंगे। इंद्रपाल सिंह जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। जी जी, नमस्कार सर, नमस्कार। इंद्रपाल सिंह जी, बहुत बहुत बधाई, आपने हमको बुलाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद सर, आपको भी बधाई, क्योंकि ये संरक्षण, ये पर्यावरण संरक्षण का मामला है, इसलिए आपको भी बधाई कि आपने हमको जो है मौका दिया। जी, ये आइडिया आया कहाँ से, ये कैसे विचार आया कि गौरैया अपने घर में आए, इसके लिए मुझे ये सब करना चाहिए, ये विचार आया कैसे और कब आया? भैया, ऐसा है कि जब हम लोग बचपन में थे ना, तो बचपन में हमारे यहाँ गौरैया बहुत हुआ करती थी, तो हम लोग उस गौरैया के संग खेलते थे, दौड़ाते, टोकरी लेते थे, टोकरी में रस्सी लगा के ऊपर से बांधते थे और गौरैया के नीचे दाना डाल के गौरैया को पकड़ने की कोशिश करते थे, बहुत प्यार से खेलते थे सारा दिन, है ना। तो एक समय ऐसा आया 15-16 साल पहले कि हमको लगा कि हमारे घर में 50-60 गौरैया आती थी, अब वो गौरैया 10-15 के आसपास रह गई जी। तो हम लोग को, हमको महसूस हुआ कि नहीं नहीं, ये गौरैया कमजोर, कम हो रही है, ये लुप्त हो रही है या गायब हो रही है। तो हमने जो है उस पर एक चिंतन किया और फिर हमने गौरैया को पालने के लिए या गौरैया को संरक्षण देने के लिए एक पेड़ लगाया और उसको दाना पानी देना शुरू किया और उनके घोंसले बनाए जी। और उस तरह से जो है गौरैया उस घोंसलों में आती रही और बढ़ता चला गया। ये मेरा पिछले 15 साल से जो है ये चल रहा है प्रोग्राम। तो अभी कितनी गौरैया है आपके घर में इंद्रपाल सिंह जी, अभी कितनी गौरैया है? लगभग भैया, अभी आप मान के चलिए कि 160-170 घोंसले हैं मेरे पास जी। और 160-170 घोंसले में हर घोंसले में दो गौरैया के बच्चे हैं, हर घोंसले में दो गौरैया के बच्चे हैं, इसमें सीजन चल रहा है जी। और ये पिछले
10 साल से 160 घोंसले हैं। मैंने पहले घोंसले धीरे धीरे बढ़ाए जी। लेकिन ये है कि इस समय आप मान के चलिए कि 160 घोंसलों में दो बच्चे हैं और ये साल में दो बार जो है बच्चे देती हैं। और इस समय मेरे पास इस समय 1500-1600 गोरैयाएँ हमारे घर में डेली खाना खाती हैं और डेली पानी पीती हैं। और जो है ये बाकी बच्चे उड़ करके बाकी दूर दूर के इलाके में चले जाते हैं, मतलब फैल रहे हैं ये पूरे बनारस में। ये अपना नया एरिया, नया अपना जगह खोजते हैं बच्चे, मतलब जगह की समस्या होने पर लोग बच्चे जैसे कि बाहर फैल जाते हैं जी। वैसे ये फैल रहे हैं। इस समय कम से कम 1.5-2 किलोमीटर के एरिया में काफ़ी गोरैया हैं। और इंद्रपाल सिंह जी, कितने लोग बनारस के आपकी इस मुहिम से जुड़े हैं और कितने लोग आपके आसपास और बनारस में उन्होंने अब ये आपको देखकर शुरू किया है गौरैया के घोंसले बनाना अपने घरों में? जी भैया जी, इस समय आप समझ लीजिए कि बनारस में कम से कम 12-15 घर तो हमारे जान पहचान में ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे बोला कि बत्रा जी ये घोंसला मेरे यहाँ भी लगवा दीजिए और इस तरह से हमको क्या करना है, कैसे दाना डालना है। तो मैं सबको बताता हूँ कि भैया डेली डालना है, ये नहीं कि एक दिन डालना है या गर्मी में डालना है पानी या वो दाना पानी, पानी गर्मी में नहीं डालना है, लगातार डालना है 365 दिन जी। क्योंकि पूरे बनारस शहर को मोदी जी, हमारे प्रिय मोदी जी क्वेटा बनाना चाह रहे हैं, तो सफाई होती है। तो सफाई होने पर आपको, आपकी ड्यूटी है कि आपको वहाँ पे एक जगह बनानी है जहाँ पर आपको चिड़िया का दाना रखना है कि चिड़िया अपने आप आए और पानी पिए और खाना खाए। तो ये जगह बनानी, लोग समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं नहीं रोड पे दाना छिड़कने से नहीं होगा, एक जगह बनानी है। और इसमें मेरा और मेरा पूरा परिवार, ये मेरे बगल में मेरी वाइफ बैठी हैं, थोड़ा सा हमारे वाइफ को दिखाएं, इनका बड़ा सहयोग था जी, जी। इनका मेरी जिंदगी में पूरा, बिना इनके मैं ये मुहिम पूरा नहीं कर पाता। कभी मुझे बाहर जाना, बिल्कुल है, बिल्कुल अंदर जाना है। देखिए वो आपकी अर्धांगिनी है और आपकी अर्धांगिनी है और आपने बहुत सही वक्त पर ये तस्वीर भी हमारे दर्शकों को दिखाई है। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, आपकी सफलता में सारी भागीदारी उनकी भी है, तो बहुत सारी बधाई एबीपी गंगा की तरफ से आप दोनों को ही इस पुनीत कार्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह बत्रा साहब, और आपकी पत्नी को भी बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बताया कि इस सारे कार्यक्रम में उनकी पत्नी, उनकी श्रीमती जी भी लगातार उनका सहयोग उन्होंने किया और अब कई घर इस मुहिम से जुड़ गए हैं। सकारात्मक बात यह है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं।